नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सीधे ये चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। और एक विषय में पूरा चिंता हो से हमारे अधिकारी मन भी बताइन है, हमारे मंत्री मन भी बताइन है कि ये सिकल सेल बीमारी काय वास्तव में ये बीमारी अनुवांशिक है और हमारे छत्तीसगढ़ के करीब 10% व्यक्ति मन में कर लक्षण है और ये अभी तक तो लाइलाज ये बीमारी है। हमारे विद्वान मन शोध में लागिन है और भगवान करे कि उमन शोध में सफल हों और ये बीमारी ला जड़ से समाप्त करे के लिए कोई उपाय उमन खोज जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर ले बहुत चिंतित हैं और एक विशेष मिशन के भी प्रारंभ किए गए हैं ये बीमारी के उन्मूलन पर। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच है आने वाला 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के, तो 2047 तक ये बीमारी भी ये देश से भाग जाए और उन्मूलन हो जाए, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के ये सोच है। और ये बीमारी विशेषकर जागरूकता के हमारे वक्ता मन कही नहीं कि जैसे दोनों सिकल सेल वाला के शादी हो जाए तो निश्चित रूप से मन के जो आने वाला संतान हो ही वो भी ओकर से पीड़ित हो सकत है, तो ये सब ये जागरूकता की बीमारी है। और एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे मिताली दाई दीदी मन बड़े अच्छा से लगिन है। मोर बहुत बहुत शुभकामना है, बड़ा ये पुण्य के काम है। हमारे सभी मिताली दाई दीदी मन से आग्रह हो ही कि बहुत अच्छा से करना है। आज हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर मन के स्क्रीनिंग हो चुकी से, जिनमें करीब 3,10% मन में कर लक्षण पाएगी से और करीब 22,500 ओकर पेशेंट निश्चित हुई नहीं, तो हमला बहुत इन्हें चिंता करना है। और हम प्रस्ताव भेजे हम भारत सरकार के एक सेंट्रल स्तर के रिसर्च सेंटर यहां पर हो छत्तीसगढ़ में और पूरा प्रयास यही कि ओकर स्वीकृति हो जाए और कर होए के बाद में और ज्यादा स्क्रीनिंग करे में तेजी आई। हमारे अधिकारी मन के भी प्रस्ताव इसकी एक प्रदेश स्तर में कोई टास्क फोर्स के भी यहां पर गठन हो ताकि और ये सिकल सेल के क्षेत्र में एक उन्मूलन के लिए बेहतर काम हो सके, ओकर लिए भी सरकार सोची। और जो आप मन के चिंता रही से वेतन उतन के समय पर नहीं मिले के, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लामे कह रहे कि भाई हमारे मितानी दाई दीदी में सब तकलीफ नहीं होना चाहिए, समय के मतलब मिलना चाहिए, तब हम व्यवस्था करते हैं कि आप मन के मतलब अकाउंट में ही वो पैसा महीना के महीना चल जाए और आप मतलब बताई नहीं कि 1 सप्ताह के अंदर में आप मन के खाता में चल जाइए। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे सब करे सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ ले भी मतलब ये सिकल सेल बीमारी ला विदा करना है और ओकर लिए सब मन लगा के काम करबो। मैं फिर से विशेषकर हमारे मितानी दाई दीदी मल्ला और स्वास्थ्य विभाग ला कर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लांत करत हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री नरेंद्र दुग्गा जी को आमंत्रित करती हूं, सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग। राजस्त्री विश्व सिकल सेल दिवस जागरूकता कार्यक्रम और जांच कार्यक्रम के अवसर पर
उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय ब्रह्मचारी राम जी, केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सम्मानित सभी विधायक, पीएस सर, एसीएस सर, विश्व सिकल दिवस के कार्यक्रम पर आप व्यस्तम में समय में उपस्थित होकर हमारे इस अभियान को नया जीवन नया गति देने में आपके उपस्थित होकर हुए हैं। इसके लिए मैं ट्राइबल विभाग स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर, हम सब ने ठाना है छत्तीसगढ़ से सिकल सेल को हटाना है। इसी उद्देश्य से सभी जिला प्रशासन के साथियों, स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।